Quick, quick, Vivo, look. Come, come, come. हवाई जहाज। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली व्लॉग नंबर 2। अभी सुबह के 8 बज गया है। यस आई नो, ये काफी जल्दी है, बट उसका मेन रीजन और क्रेडिट जाता है दीवा को। उसका लाइफस्टाइल मेरे से भी ज्यादा अच्छा है। वो यूजुअली पुणे में हर सुबह ऑलमोस्ट सुबह के 6 या 6:30 बजे उठती है, विच इज रियली गुड। और वैकेशन पे आप सबको पता है कि सबके स्लीप शेड्यूल्स थोड़े से आगे पुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर हियर शी वेक्स अप एट 7:38, जो वैकेशन टाइम के लिए एटलीस्ट काफ़ी जल्दी है। मेरे पिछले सारे दिल्ली ट्रिप्स में हम आई थिंक 9 बजे या 10 बजे के आसपास उठते थे, बट बिकॉज आई एम हियर विद हर, ये एक बहुत अच्छा एडेड बेनिफिट है। जब उसकी नींद खुलती है, मेरी भी नींद खुल जाती है, एंड आई टू वेक अप एट 7:38, जिसकी वजह से दिन में इन जनरल ज़्यादा टाइम मिलता है। ये है रूम मेरी और आर्यन की, वेलकम होटल वाली जो रूम थी उससे एग्जैक्टली सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि इस रूम का जो व्यू है वो स्लाइटली बेहतर है। उन्होंने रिसेप्शन पे भी कल बोला था कि एक पूल फेसिंग रूम हमें मिलने वाली है, विच इज़ क्वाइट नाइस। सनराइज भी अभी अभी हो गया है। ये बाय द वे जो टी शर्ट है वो मैं पिछले पता नहीं 2-3 दिनों से पहन रहा हूँ, और कल फाइनली शावर में आई डिसाइडेड टू वॉश इट बिकॉज मुझे ये सेम टी शर्ट आज भी पहनना है। 1RM का आई थिंक ये अनरिलीज टी शर्ट है, मुझे तो वेबसाइट पे कभी नहीं दिखा। इट इज टील, टील इज माई फेवरेट कलर। सो कल आई वॉश दिस इन द शावर और यहाँ पर ड्राई करने के लिए रख दिया एंड इट हैज ड्राइड। जल्दी से रेडी हो जाते हैं और जाते हैं ब्रेकफास्ट को। ब्लूबेरी फिनिश। सिंपल ब्रेकफास्ट, मैंने यहाँ पर एक एग वाइट ऑमलेट ऑर्डर किया है। आपके लिए छोटी सी टिप, अगर आप किधर ट्रैवल कर रहे हो यूजुअली यू विल एंड अप ईटिंग आउट अ लॉट, जिसकी वजह से आपका डेली फैट इनटेक बहुत बढ़ जाएगा। सो जस्ट अ ट्रिक जिससे आप एटलीस्ट योक्स के थ्रू जो भी फैट आ रहा है वो थोड़ा कम कर सकते हो, हैंस एक एग वाइट ऑमलेट। यहाँ पर 4 टोटल टोस्ट के स्लाइसेस, पोटैटोस, और ये मेरी स्वीट साइड है। यहाँ पर थोड़ा सा म्यूसली जो मैंने लास्ट टाइम भी खाया था, सुपर टेस्टी। 2 ब्लूबेरी डैनिशेस एंड एन ओटमील मफिन और समथिंग लाइक दैट। और स्पेशल चीज़ यह है कि आज हम सिद्धांत के साथ एक अपर बॉडी वर्कआउट लगाने वाले हैं। आपको याद होगा जुलाई में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेस्ट वर्कआउट लगाया था उसके साथ, एंड द स्पेशल थिंग इज़ कि उस टाइम पे भी मैं इसी टेबल पे बैठा था एंड आई हैड ब्रेकफास्ट, आई वेटेड फॉर हिम एंड देन वी लेफ्ट। आज एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ दिन होने वाला है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, कॉफ़ी ऑफकोर्स, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। साइड में सेपरेट क्रीम और ये ब्लैक कॉफ़ी है as per my liking. तूने देखा मुझे? मैं सोच रहा था मैं छुप जाऊंगा। आजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वेलकम होटल। वाह, इसीलिए आ गया आपको साकेत वाले होटल में भी रुकाना पड़ेगा। मुझे पता है किस चीज की याद आई ब्रेकफास्ट खाते वक्त। हमारा जो चेस्ट वर्कआउट था ना, हाँ। उसके पहले मैं सेम जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो जो 4 कुर्सियों वाली जो जगह है, मजा आने वाला है। इट बी अ गुड वर्कआउट। क्या अपर बॉडी सेशन? सो यू विल कोच मी थ्रू इट? यस। ये वर्कआउट। अरे 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 अरे, वर्कआउट। अच्छा, वार्म अप भी लिख दिया? हां भाई, अभी और एक दो चीजें लिखने, मैंने बोला इंप्रोम्प्टू कर देंगे तब वो। या आजा। ये सब क्या लेगा? नहीं इतना You'll get a good pump. और अगर आप वे प्रोटीन में एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो तो मसल ब्लेज का फ्यूल ब्लैक जरूर ट्राई करना। दिस इज द न्यू पैकेजिंग विद एनहांस्ड इंग्रेडिएंट्स। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Remember this? Of course I remember. 15 second hold either. Then what you do is go into a protracted position while still pushing your elbows down and pushing your chest into the ground, okay? But not doing this, not sinking with it. Maintaining.
still that will be a more lat emphasis. This is more T-spine focus, right? Thoracic spine. Yes. Perfect. Now try to think of it as sinking your chest into the ground. Chin slightly up. Very angle hai. Don't have to stress too much. Keep this relaxed. Just think of it making this. And pull it back. Now once you get comfortable doing this, then you do a press. But uske liye bahut mobility lagti hai. Not mobility, like just strength, general strength. When you are pulling up, usually लोगों का क्या रहता है कि हम अपनी चेस्ट टच कराते हैं. यस, बट मोस्ट पीपल व्हाट दे एंड अप डूइंग इज जो पाथ रहता है इट्स लाइक बस किसी तरीके से वो टच हो जाए. यू वॉन्ट गोइंग टू द गो अंडर द बार, हैव अ सेट पॉइंट, फिक्स पॉइंट, एंड जैम योर चेस्ट इनटू द बार. ओके, पुल, बट इसमें सिर्फ एल्बोज पुल एंड स्लाइटली बार. सो यू पुल एंड डू दिस, यू पुल अप लाइक दिस, राइट, पुल अप एंड बार. Time to move on. All we want is to grow old. Every day it's just the same song. Cause this life is all we've ever known. Drinking all night and all day. Driving 90 on the highway. Through all the chances that we take. And all the mistakes that we've made. I shine brighter. कोई नहीं, कल का दिन है अभी. वेलकम टू यू. वेलकम होटल. हेलो.
Hello, auntie. The room. Yes. The iconic room. Ye desk. The corner. Yes. Goku. The setup. What is that? Gaming PC. Wow. This is my, what do you call it? Station, workstation. जहाँ पर वीडियोस 6 महीने बाद आती है। Exactly, तो सोच इतना इतना ज़्यादा पावरफुल पीसी है कि इतना टाइम लगता है उसमें रेंडर करने में। Damn. I have to be indicate the details. Very nice, very nice. Yeah. This CPU was 2.1 for all this. But you built it manually, मतलब parts खरीद के? Individual parts मैं पहले से decided था, मेरे को पता था कि क्या-क्या parts लेने हैं। काफी time से 2-3 महीने से I was like looking at comparisons and whatnot. So जब ये GPU release हुआ था मैं wait कर रहा था Nvidia का RTX 3080 and luckily got one and अभी इतने inflate हो रखे हैं price कि 80,000 का मैंने लिया था तब now it costs 1,30,000 अभी. Oh that's a lot. But it looks very beautiful, fancy. वो computer setups रहते हैं ना? Exactly वही है. Yeah. I didn't know you're such a big gamer though. I used to be a lot. बहुत बड़ा था. अगर आप सिड के चैनल को फॉलो करते हो आपको पता होगा कि सिड की मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है. शी हैज गिवन अस दिस ब्राउनीज, अ होल बॉक्स ऑफ ब्राउनीज जो हम अभी खोलने वाले हैं, उसके साथ ग्रीन टी, मसाला चाय. एक्साइटेड, लेट्स गो. होम फूड बहुत बाहर हो गया अभी. या अभी मुझे दाल चावल का क्रेविंग आ रहा है. आई नो इट मे साउंड स्टूपिड बट ऐसा हुआ है वैसे कि तेरे साथ कभी क्या आउट और योर एट पुणे वहाँ पे दाल की क्रेविंग? कभी नहीं, नहीं पहली बार क्योंकि पिछले आई थिंक 7 या 8 मील्स बर्गर्स डीप फ्राइड. ये तो तब ऋषिकेश वाली ट्रिप पे भी नहीं हुआ जब व्हेन यू वर लाइक नहीं हुआ. और गरम कर फिर माइक्रो नहीं गरम करना तभी मेल्ट होगी ना आइसक्रीम. ज्यादा भी नहीं मेल्ट करनी ना. अप्रिशिएट योर ऑनेस्ट फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट. जी आंटी एवरी टाइम आई सी ओके प्रॉमिस. यू फर्स्ट. Me first. Yeah. You're putting me in so much pressure. Are you ready? Yeah, I'm ready. I mean, khali iske piche baithte hai. The iconic rooftop. Yes. King Kai's planet. वो यहाँ पर सारे इंस्टाग्राम स्टोरीज होते हैं ना. Yes. कपड़े सूख रहे हैं सब अंदर रख दिया. मोस्टली अंदर ही रहता है. वेरी पीसफुल यार. यहाँ पे लोग चाय वगैरह पी रहे हैं बैठ के बिकॉज जिम्स खुल गए हैं एंड आई एम नॉट वर्किंग आउट ऑफ इट. बट मोस्टली दिस इज ऑल एम्प्टी. यहाँ ये स्क्वाट रैक्स हैं हमारे. मैं यहाँ रख के अपने स्क्वाट्स ओवर हेड प्रेस करता हूँ वरना यहाँ पे तार में अटकता है. दिस इज वेयर आई डू पुलअप्स. इस पे छज्जे पर अटक के वाओ ऑन द एज. ब्यूटीफुल लुक. जुगाड़ू सेटअप बट नॉनदलेस गेट्स द जॉब डन. लुक एट यू आर गेटिंग द मैं इधर 15 मिनट के लिए टट्टी करने के लिए गया. दिस इज व्हाट हैपेंड. टट्टी करने व्हाट इज गोइंग ऑन. व्हाट लैंग्वेज इज दैट सॉन्ग. इज दिस टेकन. यस टेकन. Is she beating you, Sudhan? Is she beating you, Sudhan? I let her win. Hello, chal ke maar rahe hain. Oh! Uda diya. Ab dekh iske andar chain ko maarta hu main. Look, Saket, look at this, okay? Yeah. You have to time it. So if you're attacking and then if I launch you, वेरी क्लोज मैच. नो यू कॉल मी फैट. नो यू कॉल मी फैट.
पेट पेट ही मारा देखे जा रहे हैं। हेलो। थैंक यू। गाड़ी हमारी है। यस, डेफिनेटली। इट वाज सो लवली मीटिंग यू। यार, सच अ जेम, नो? स्टॉप इट यार। द रियल जेम।